They can kick. Yeah, ये तो काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग वाटरफॉल है. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल. आज हम जा रहे हैं एक काफी अलग ही एक्सपीरियंस के लिए, हाथियों से मिलने के लिए इन एन एथिकल एलिफेंट सेंचुरी. स्टे ट्यून्ड, ये काफी ज्यादा एपिक फन होने वाला है. पिछले एपिसोड्स में चियांग माई ओल्ड टाउन और संडे नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद आज मैं एक ग्रुप टूर ज्वाइन कर रहा हूँ एक एथिकल एलिफेंट सेंचुरी विजिट करने के लिए. कहा जाता है ये चियांग माई का एक मस्ट टू एक्सपीरियंस है. ये सेंचुरी चियांग माई सिटी से करीब एक घंटा दूर है, पहाड़ों और जंगलों के बीच. भाई क्या घटिया रोड्स थे ये आखिरी के अराउंड 20-25 मिनट. हालत बुरी हो गई, ऑलमोस्ट उल्टी करने वाला था मैं तो. वेलकम टू चियांग माई एलिफेंट सेंचुरी. So if you wear this one, elephant know you. Yeah, if you wear elephant, don't know you. Yeah. Okay. They know you. They can't do it. So हमें ये यूनिफॉर्म मिले हैं क्योंकि हाथी इनको पहचानते हैं. We have like chicken curry, sweet and sour, something like that. Thai food. Yeah, Thai style. Okay, follow me this way. तो खाने में है चावल, पोटैटो करी, चिकन करी, वाटरमेलन, डाइनिंग विद द एलिफेंट्स. अब हम केले खिलाने जा रहे हैं हाथियों को. Elephant is the 200 or 250 kilogram per day for the big one. Drinking water for 200 liter for per day or 150 liter. Yeah, elephant life like human, possible 100 or 80 years, 60 years, something, yeah, something like that, yeah, like human. So how to feed elephant? You can feed like this, yeah. Oh, let me not tie. They are gentlemen, yeah. Don't be afraid. Yeah, they are friendly. Yeah. Okay, time to feed them. Take your time. Most time feed. They should like. No problem. Bro, you are huge. अब खाना खा लिए, अब स्पा के लिए जा रहे हैं. उसके बाद इनको नहलाएंगे. मड बाथ टाइम. हेलो मिस्टर हैंडसम, दिस वे.
Okay, now pick up the mat here. Go to elephant. So when you go behind, you have to talking. Elephant cannot see behind. They can kick. Sometimes they can. Oh, come on. Guarda da frente. Hi, keep on the Hi. भाग रहा है तो अब हम यहाँ से छोटा सा हाइक करके जो नदी के पास जा रहे हैं वॉटरफॉल जहाँ पे हम नहाएंगे 10 मिनट का ट्रैक है ये क्या सही एक्सपीरियंस हो चुका है आई हैव अ फ्यू रिजर्वेशंस अबाउट अ फ्यू थिंग्स जो मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ ओ ये तो काफी बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग वॉटरफॉल है वाओ मैं कैमरा वगैरह सब यहाँ पे छोड़ के चला गया था वॉटरफॉल में ऐसे मजे करने हर बार कैमरा का टेंशन रहता है पर वहाँ का व्यू ऐसा है ना मतलब वो तो एक बार आपको दिखाना बनता है जस्ट वेट फॉर इट ये रहा वॉटरफॉल और इसके पीछे केव है तो हम जस्ट ये एलिफेंट सेंचुरी वाला पूरा का पूरा एडवेंचर करके आके वापस इधर पहुंच रहे हैं जहाँ से अभी गाड़ी से पिकअप होगा ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो है ना ये मतलब इस तरह का मैंने पहले कुछ कभी तो किया नहीं है और मैं कुत्तों को छूने से इतना डरता हूँ ऑल दो आई लव डॉग्स तो हाथी के पास जाने से भी मैं डर रहा था बहुत ज़्यादा पर ये कितना सही एक्सपीरियंस रहा है मतलब एब्सोल्युटली अमेजिंग इसके कुछ दिनों बाद मैं जब बैंकॉक में था एक टूर के दौरान हम बाई चांस एक और एलिफेंट सेंचुरी में पहुंचे थे और वहां पे एलिफेंट राइडिंग फुल ऑन प्रमोट किया जा रहा था इनफैक्ट जो महाउट थे उनके हाथों में शार्प ऑब्जेक्ट्स भी दिखे थे अब इमेजिन कर सकते हैं वो किस लिए यूज होते होंगे आपने थाईलैंड के वो सब फोटोज और वीडियोज देखे होंगे लोग टाइगर को पकड़ के बैठे हैं वो उस तरह के जो होते हैं सो दोज आर ऑल लाइक दोज एनिमल्स आर ड्रग्ड तभी वो इतना शांत टाइगर बैठा हुआ है आपका तो इसी तरह हाथियों के साथ भी यही होता था एलिफेंट्स वर यूज्ड फॉर राइडिंग बेसिकली राइडिंग और सामान इधर से उधर लेने के लिए वो सब के लिए यूज होता था अनफॉर्चुनेटली आज भी अक्रॉस थाईलैंड काफी सारे सेंचुरीज ऐसे ही अनएथिकल हैं जहां ह्यूमन प्लेजर के लिए हाथियों को परेशान किया जा रहा है और टूरिस्ट ऐसे जगह भी भर भर के जाते हैं बिना एक बार भी ये सोचे कि वो जानवरों को कितने तकलीफ में रखा जा रहा है ताकि इंस्टाग्राम पे आप एक वो फोटो डाल सकें
थैंकफुली चियांग माई के इस एथिकल एलिफेंट सेंचुरी की तरह और भी सेंचुरीज हैं जहां इन हाथियों को सर्कस, लेबर और टूरिस्ट अट्रैक्शन से रेस्क्यू करके जंगल में रखा जाता है। ऑफकोर्स ये एथिकल सेंचुरी भी टूरिज्म के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ टूरिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव है इन हाथियों के केयर के लिए खर्चा उठाना। यहाँ पे टिकट एक्चुअली महंगा है, मतलब मुझे अब ये पड़ा 1500 बात का, मतलब ऑलमोस्ट 3500 रुपये। वो इसलिए क्योंकि एलिफेंट्स का जो खाना है दैट इज़ सो एक्सपेंसिव, बिकॉज एवरी डे हमारे गाइड हमें जो बता रहे थे, एक हाथी 200 किलो का खाना खाता है, 200 किलो खाना खाता है, 150 लीटर पानी पीता है, तो वो सारा खाने का पैसे कहाँ से लाएंगे। तो उसी चक्कर में जो इसके टिकट्स वो सारे महंगे हैं। एंड आई थिंक ये कुछ साल हाथियों को ऐसे रखते हैं और उसके बाद उनको GPS टैग करके, जैसे वो यूज्ड टू हो जाए थोड़ा जंगल लाइफ के लिए, तो उनको जंगल में छोड़ दिया जाता है। सो दैट्स गुड। इंडिया में तो कई जगह एलिफेंट राइड्स होते हैं, मंदिरों में हाथी यूज होते हैं, मेरे ओपिनियन में तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना टूरिज्म के लिए और ना ही रिलीजियस फंक्शंस में। थाईलैंड में एलिफेंट टूरिज्म बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने ये पर्टिकुलर टूर लोगों के रिव्यू सुन के बुक किया था इसका नो राइडिंग और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म वाले सेलिंग पॉइंट्स देखकर। सच बताऊं तो फिर भी मुझे अपने टूर की एक दो चीज़ें थोड़ी अजीब लगी, जैसे कि जब हम हाथी को नहला रहे थे तब भी सामने से एक बंदा उनको खाना खिला रहा था पूरे टाइम। फिर दूसरी बात, क्या ये हाथी टूरिस्ट के बिना अगर जंगल में होते तो रोज़ नहाते? गाइड ने हमें बताया था कि उनको गर्मी लगती है, इसलिए वो प्रेफर करते हैं पानी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। मैं कोई कंजर्वेशनिस्ट या एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो कितना और क्या एथिकल और मोरल है इस चीज़ पे बस अपनी राय दे सकता हूँ। ऑनेस्टली बाद में वो बैंकॉक के पास वाला सेंचुरी देखकर मुझे ये चियांगमाई वाला एक्सपीरियंस बहुत ही सही लगा, लगा कि मैंने सही जगह पे पैसे खर्चे। एटलीस्ट यहाँ दिख रहा था कि हाथी भी इंजॉय कर रहे हैं, उनको फोर्स करके या मार के कुछ करवाया नहीं जा रहा था यहाँ। वो पूरे टाइम फ्रीली जंगल में इधर उधर घूम रहे थे, चिल कर रहे थे और कोई अग्रेसिव बिहेवियर भी नहीं था। आपके क्या विचार हैं इस पे? हाउ एथिकल डू यू थिंक आर दिस एथिकल सेंचुरीज? सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू सॉ समथिंग एब्सोल्युटली न्यू। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, लीव अ कॉमेंट बिलो विथ योर थॉट्स रिगार्डिंग दिस एंटायर एलिफेंट थिंग। थोड़ा गूगल पर रिसर्च भी करो अगर आपको इंटरेस्ट है, तो पढ़ो इसके बारे में भी थोड़ा। एंड या सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। अमेजिंग अमेजिंग कॉन्टेंट कमिंग अप अगले कई हफ्तों तक फ्रॉम थाईलैंड। स्टे ट्यून्ड। बाय।